जादुई फ्रॉक का कुआं। माँ, पिताजी, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? जब आप दोनों मेरे साथ थे, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जब आप दोनों मेरे साथ थे, तब मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी होती थी, और अब तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती, बल्कि मेरे से पूरे दिन काम करवाया जाता है और बदले में ताने भी मिलते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। अब मुझे इस दुनिया में रहकर कुछ नहीं करना, मुझे आपके पास ही रहना है बस। सोनम ऐसा कहकर रो ही रही होती है कि तभी सोनम को एक आवाज सुनाई देती है। सोनम बेटा। सोनम इधर उधर देखती है, वो आवाज और कहीं से नहीं बल्कि सोनम के माता पिता की तस्वीर से आती है। सोनम की माँ सोनम से कहती है, सोनम मेरी प्यारी बच्ची, तो इस तरह रो मत, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। माँ, आप तस्वीर से बोल रही हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, और मैं सब जानती हूँ कि तू कितना दुखी है। मेरी प्यारी बेटी पर संगीता और रानी कितना अत्याचार करती है, लेकिन अब मैं ये सब होते हुए और नहीं देख सकती। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसी कौन सी जगह है माँ, आप मुझे कहाँ भेजना चाहती हैं जहाँ मेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी? सुनो सोनम बेटा, इस गांव से बहुत दूर एक कुआं है, वहीं उस कुएं के पास जाकर तुम अपनी इच्छा बताना, वो उस काम में तुम्हारी अवश्य मदद करेगा। ये सुनकर सोनम अपने आंसू पोंछकर उस कुएं से मदद मांगने चली जाती है। वो कुएं के पास खड़ी होकर कुएं से कहती है, हे जादुई कुएं, मुझे भी सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए ताकि मैं भी रानी की तरह सुंदर दिख सकूं। सोनम के इतना कहते ही जादुई कुएं से सुंदर सुंदर फ्रॉक बाहर आ जाता है, जिन्हें देखकर सोनम बहुत खुश होती है और उस जादुई कुएं को धन्यवाद कहती है। पर सोनम बेटा, यह याद रखना, यह कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि यह जादुई फ्रॉक है। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी, और तुम इस फ्रॉक को पहनकर जो भी काम करोगी वह चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह साधारण से दिखने वाली जादुई फ्रॉक केवल ईमानदार एवं जरूरतमंदों पर ही अपना जादू दिखाता है। यह जादुई फ्रॉक गलती से भी किसी लालची लोगों के हाथ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है जादुई कुआं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर सोनम सभी जादुई फ्रॉक अपने साथ अपने घर ले आती है, और वो जैसे ही फ्रॉक पहनकर देखती है तो वो पहले से भी अधिक सुंदर हो जाती है। तभी बाहर से संगीता और उसकी बेटी रानी घर आ जाती है। सोनम को देखकर वे लोग चौंक जाते हैं कि सोनम के पास इतनी सुंदर फ्रॉक कहाँ से आई। तभी रानी अपनी माँ से कहती है, माँ इतनी सुंदर फ्रॉक सोनम के पास कहाँ से आई? मुझे भी ऐसे ही सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए। सुंदर फ्रॉक सिर्फ मैं ही पहनना चाहती हूँ, सोनम मुझसे सुंदर कैसे लग सकती है? माँ मुझे वही फ्रॉक चाहिए जो सोनम ने पहन रखी है। तभी संगीता सोनम पर चिल्लाते हुए कहती है, इतनी बनठन कर तू कहाँ जा रही है? चुपचाप घर पर रह। और क्या तुझे पता नहीं कि कल तेरे फूफा जी शहर से आ रहे हैं, इसलिए पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे, समझ गई? तभी रानी कहती है, देखो तो माँ, इसने कितनी सुंदर फ्रॉक पहन रखी है, जरूर इसने ये फ्रॉक चुराए हुए पैसों से खरीदी होगी। माँ इससे पूछो कि उसके पास ये फ्रॉक कहाँ से आए। नहीं नहीं रानी, मैं अपनी माँ का बक्सा खोलकर देख रही थी, उसी में ये फ्रॉक मुझे मिली। सोनम बुआ जी से झूठ बोल देती है। रात हो जाने के बाद जब सोनम सो जाती है तो संगीता अपनी बेटी के लिए वो जादुई फ्रॉक चुराने के लिए सोनम के कमरे में चली जाती है। सोनम ने बहुत ही संभाल कर वो फ्रॉक रख रखी थी, लेकिन संगीता बहुत ही लालची औरत थी, वो फ्रॉक ढूंढ लेती है और ले जाकर अपनी बेटी रानी को दे देती है। ले मेरी रानी बेटी,
तेरी पसंद की फ्रॉक उस कलमोही ने बड़े ही सावधानी से छुपा कर रखा था। बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। रानी बहुत ही खुशी से वो फ्रॉक पहन लेती है और जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। रानी चिल्लाने लगती है, माँ इस फ्रॉक को उतारो, मेरे पूरे शरीर पर खुजली हो रही है, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। ये कैसी फ्रॉक है जिसकी वजह से मेरे पूरे शरीर में खुजली होने लग रही है। संगीता पूरी कोशिश करती है ये जादुई फ्रॉक उतारने की, परंतु फ्रॉक अब नहीं उतरती। संगीता भागकर सोनम को बुलाती है, ये कैसी फ्रॉक है तेरी माँ की जिसके कारण मेरी बेटी के पूरे शरीर पर खुजली हो गई और उसका शरीर लाल पड़ गया। बुआ आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये जादुई फ्रॉक है। जादुई फ्रॉक, लेकिन तुम तो बता रही थी कि ये तुम्हारी माँ की है। सोनम अपनी बुआ को सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसकी स्वर्गवासी माँ ने उसको एक जादुई कुएं के पास भेजा था जहाँ से वो ये जादुई फ्रॉक लेकर आई थी। संगीता सच्चाई जानने के बाद अपने किए पर बहुत पछताती है और सोनम से कहती है, सोनम मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन तो हम माँ बेटी की सच्चाई जानती थी कि हम कितने लालची है, इसलिए तू हमें जादुई फ्रॉक नहीं दे रही थी ना, मुझे माफ कर दो, आज से तू मेरी बेटी है, आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि दो दो सगी बेटियां हैं। संगीता के इतना कहते ही रानी के शरीर की खुजली मिट जाती है और सोनम जादुई कुएं की जादुई फ्रॉक की वजह से अपने बुआ के दिल में जगह बना लेती है। अब सोनम बहुत खुशी खुशी अपनी बुआ संगीता और रानी के साथ रहने लगती है।